तो सबसे पहले तो आपको पता है आज 15 अगस्त है और जो भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ पे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये है एक क्यू एंड ए वीडियो। मैंने दो तीन दिन पहले एक पोल यहाँ पे पोस्ट किया था आपने आपके क्वेश्चंस के लिए, तो ये क्यू एन ए नंबर 2 है। क्यू एन ए नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, तो उसमें भी काफी सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रिसेंट जो फोन चल रहे हैं उनके बारे में मैंने कवर किए हैं, आप जाके जरूर देख के आए। तो वो भी क्यू एन ए काफी इंटरेस्टिंग था। और आज के यहाँ पे क्यू एन ए में भी काफी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन पिक कर लिए हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे पूछे थे मेरे हैशटैग के साथ, आस्क पीटीजी के साथ, और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी पिक कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वन प्लस 8 जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, और दूसरा है यहाँ पे वन प्लस 9R जो कि 888, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, 888 प्रोसेसर के साथ नहीं आता, ये यहाँ पे 870 के साथ आता है, और 870 यहाँ पे 865 प्लस का एक और प्लस वेरिएंट है, यानी कि जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी और ऐड कर दी गई है। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा पिक किया जा सकता है। तो यहाँ पे वन प्लस 8 और वन प्लस 9R में पूरे एक साल का डिफरेंस है और आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सा काम देखने को मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए दोनों डिवाइसेस में, प्रोसेसर भी आपको बिल्कुल सेम सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको डेली टास्क करने में या फिर आपको गेमिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन में आपको बिल्कुल बराबर से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, आपको स्क्रीन भी बिल्कुल सेम मिलने वाली है, सिर्फ यहाँ पे 90Hz और 120Hz का यहाँ पे फर्क होने वाला है, और कैमरा सेटअप भी आपको बिल्कुल सेम सा ही वहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और बैटरी यहाँ पे 200mAh ज़्यादा मिलेगी, और जो यहाँ पे इसकी स्टोरेज है वो UFS 3.1 हो गई है एज 3.0, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं है, अगर आपको वन प्लस 8 कुछ सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज वन प्लस 9R पिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वन प्लस 9R जो है वो अपने हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ओवर प्राइस कर दिया गया है, अगर यही फ़ोन यहाँ पे 30 से लेके 35 हज़ार में आता तो यहाँ पे बड़े इजीली रिकमेंड किया जा सकता था। तो अगर आप वन प्लस 9R लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वन प्लस नॉट 2 के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि उसका जो कैमरा सेटअप है वो वन प्लस 9R से काफ़ी अच्छा है, और जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो आइडेंटिकल मिल जाएगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसके बाद ये पूछते हैं कि विल यू बाय ROG Phone गेम पैड फॉर रिव्यू व्हेन इट विल बिकम अवेलेबल। देखो अभी को मेरा चांस नहीं है कि मैं इसको बाय करूँ, इसको रिव्यू करूँ, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई फायदा होने वाला है इस गेम पैड को बाय करने के, और मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि इस गेम पैड को यहाँ पे बाय करने का कुछ ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि मोस्टली गेम हम यहाँ पे जो खेलते हैं वो है यहाँ पे पबजी वगैरह, यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसमें यहाँ पे ज़्यादा आपको जो एक्यूरेसी आएगी आपकी शूटिंग वगैरह में वो आपको टच करने के ऊपर ही आती है। जब आप जॉयस्टिक से यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका जो जो रिस्पॉन्स रहता है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू टच, तो मेरा यहाँ पे ये मानना है। बाकी अगर आएगा तो देखेंगे, अगर सही रेट में आएगा तो मे भी बाय करके इसका रिव्यू भी कर दें, पर फिलहाल के टाइम के ऊपर कोई भी प्लान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि थिंकिंग ऑफ बाइंग ROG 5, इज इट वर्थ टू बाय, एनी लैग इशू और समथिंग, इज इट द बेस्ट मोबाइल अंडर 50K। देखो यहाँ पे 50K है कि अंडर तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा डिवाइस है, किसी भी तरह का अभी तक तो मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है मेरे डिवाइस में, काफ़ी सारे लोगों को भी दिक्कत आई है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि जो इनका जो भी लेटेस्ट वाला अपडेट आया है .86 उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि वाईफाई बंद हो गया है, वाईफाई नहीं चल रहा है, वाईफाई हॉटस्पॉट भी नहीं चल रहा है, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक तो मुझे ROG 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे इस यूनिट में, मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। हाँ एक बार वो जो .86 वाली वर्जन वाली जो दिक्कत है वो एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद इसको बाय कर सकते हो, मैं आपको एक रिव्यू भी दे दूंगा उसके बाद, तो आप उसके बाद सोच सकते हैं इसको लेने के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू बाइंग द ROG 5 बट एज नाउ Asus announced Asus ROG 5S, so should I wait for it or buy the Asus ROG 5? तो मैंने S के ऊपर एक वीडियो बनाई है ROG 5S के ऊपर, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि आपको वो फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में अगर मैं कवर करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें पूरी डिटेल में बात की है। आगे बात करते हैं ब्रो, अगर सैमसंग की नई फोल्ड या फ्लिप इंडिया में अच्छे प्राइस में आए तो क्या लेना चाहिए। देखो अच्छे प्राइस का मतलब क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे ये डिवाइस मिलने वाली है, और ये बहुत अलग मासेस को यहाँ पे टारगेट करते हैं, बहुत अलग जो लोग होते हैं उनके लिए बने हैं।
जिनके पास कोई बजट का कोई इशू नहीं रहता है, जिनके पास ऑलरेडी मतलब पैसा बहुत, आप समझ सकते हो ना, मतलब अमीर बंदों के लिए ये डिवाइसेज हैं। नॉर्मल बंदों के लिए जो आप हर एक चीज़ को देखते हो कि इस पॉइंट मुझे इस प्राइस में मुझे क्या मिलेगा, इस प्राइस में मुझे क्या मिलने वाला है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे 40,000 में, 50,000 में, 30,000 में देखते हो, उनके लिए मुझे नहीं लगता ये डिवाइस बाय करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा होगा। आप इतना पैसा एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनका यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे खास फ्यूचर नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ आगे काफ़ी ज़्यादा तक आगे आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पर मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पर नॉर्मल लोगों को बाय करना चाहिए। अगर आप शो ऑफ करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, उनको आप बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि ऑसम ब्रो, कीप इट अप, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, आपकी वजह से यहाँ पे इतना अच्छा काम यहाँ पे कर पाता हूँ। आगे उन्होंने लिखा है, बट आई एम ऑल्सो एसस लवर। तो एसस लवर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते ही हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे एडवाइस यहाँ बनाते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन इन ASRG 5, कैन वी टॉक वाइल ड्यूरिंग फोन कॉल्स अप टू 5 or more hours वाइल यूजिंग बाईपास चार्जिंग मोड। तो बाईपास चार्जिंग का बेसिकली मतलब, अगर किसी को नहीं पता, बताना चाहता हूँ कि जब आपका फ़ोन यहाँ पे 80-100% के बीच में आ जाता है, तो आप एक सेट कर सकते हो ये चीज़ को कि अगर आप प्लग इन कर रहे हो अपने चार्जर को, तो आपका डिवाइस वहाँ पे क्या करेगा, जो डायरेक्ट चार्ज के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आप लैपटॉप की बैटरी निकाल देते हो, तो जो आपका जो लैपटॉप रहता है वो डायरेक्टली चार्जर से कनेक्ट होकर चलता रहता है, तो उस चीज़ को आप बाईपास चार्जिंग इसमें बोलते हो। तो इसमें भी यही होता है ASRG 5 में, कि आप जब चार्जर से कनेक्ट करते हो, देन जो बैटरी का जो लिंक रहता है फ़ोन से, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्टली चार्जर जो डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज जाता है, वो चार्जर से ही जा होके जाता है। आपको जो बैटरी के में जो हीट वाला इशू रहता था वो नहीं आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है, बाकी कंपनीज़ को भी इसके ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। मुझे ये फीचर इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगता है ROG सीरीज़ का। तो ये पूछ रहे हैं कि वो अगर हम कॉल करेंगे तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉलिंग करते टाइम आप ऐसा काम करो, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। हाँ, लेकिन आप अगर फ़ोन ऐप को आर्मरी क्रेट में जाके वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पे मुझे लगता है कि बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी मैंने अभी तक फिलहाल टेस्ट नहीं किया है, चीज़ जब मैं टेस्ट करूँगा आपको मैं बता दूंगा। इंस्टा के ऊपर मेरे मुझे DM कर सकते हैं अगर आपका कुछ यहाँ पे क्वेरीज रहती हैं, किसी और बंदे की भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो मुझे इंस्टा के ऊपर DM कर सकते हैं। मैं तो सभी को मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, किसी को भी वहाँ पर मैं खाली नहीं जाने देता। तो आपको मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ID शो कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा एक बार जब मैं टेस्टिंग कर लूँगा इस चीज़ की। इसके बाद वो यहाँ पर पूछते हैं, इज देयर एनी लैग आफ्टर 4 months इन ASRG 5 डेली यूसेज। तो यहाँ पे लैग जो होता है वो मुझे नहीं लगता है कि ROG सीरीज में कभी मुझे फेस करने को मिला है। तो इवन मैं फोन को यहाँ पे 50+ डिग्री तक भी लेके गया हूँ, बहुत गर्म भी हो गया था डिवाइस, तब भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला था। तो मतलब यहाँ पे जो ROG 5 की जो सीरीज रहती है वो इसी हिसाब से बनाई जाती है कि अगर आपका टेम्परेचर राइज भी हो जाता है तब भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करनी है, और परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग रहती है, लैग्स लुक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर ASRG 5 के रिगार्डिंग है। सर, आई हैव ROG 5 बट इसमें डायरेक्ट Jio to Jio और 8-to-8 वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आया, हाउ टू एनेबल दैट। देखो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे ASUS के जो डायलर है उसमें प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके, गूगल ड्यू का इस्तेमाल करके उसको इनेबल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर गाइड चाहिए तो मैं आपको उस गाइड का लिंक या फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो ये है कि एज ऑलवेज बाई लव यू कीप गोइंग, अभी 9,000 हुए हैं तो 100K भी हो जाएंगे और फिर 1 million, चलो जो भी होगा जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है आप सभी के लिए भी, मेरे लिए भी। और योर वीडियोज़ आर एक्चुअली नॉन बायस एंड इन्फॉर्मेटिव एनी वेज। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे यही ट्राई करता हूँ कि आपके जो पैसे हैं वो बच सकें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई 30-40-50 हज़ार का फ़ोन, 60 हज़ार का फ़ोन बाय कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं कभी पहले फ़ोन बाय करता था, किसी के यहाँ पे गलत रिव्यू देख के मैं फ़ोन को बाय करके बैठ गया और बाद में पछता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप किसी बंदे के साथ हो, जो मैं चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे चूज़ करता हूँ या फिर मुझे यहाँ पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, तो वो चीज़ आपको जो मेरी रिकमेंडेशन रहने वाली है वो ऐसी रहने वाली है ऑलवेज। मैं आपको कोई बेकार प्रोडक्ट यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी। मुझे पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, वो भी स्पेशली आपको 30-40-50 हज़ार यहाँ पे एक ऐसे फ़ोन में इन्वेस्ट करवा दूँ कि आपका वो फ़ोन यहाँ पे काम का ही ना हो, आपको वैल्यू प्रोवाइड ना करता हो, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। हाँ देखो, यहाँ पे फ़ोन में बग्स या फिर बोलूँ यहाँ पे दिक्कत जो है वो हमेशा रहती रहती है, बहुत सारे फ़ोन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ोन जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर ही यहाँ पे
पे फोकस रहेगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आगे वो लिखते हैं, माय क्वेश्चन इज टेक्नो रोहेज इज आल्सो माय फेवरेट बट आप कोलैब कब करोगे पाजी उनके साथ। देखो भाई, उनको नहीं पता है कि मैं ऐसा कोई क्रिएटर हूँ जो ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा। चलो हम तो उनको जानते ही हैं, भी पता है कि कौन है, कैसी वीडियोस बनाते हैं, हम उनकी कंटेंट को पसंद भी करते हैं। कोलैब का यहाँ पे कोई मुझे लगता नहीं है कोई यहाँ पे सीन वगैरह होगा। जब इन फ्यूचर में देखेंगे कभी होगा तो आपके सामने ही ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स फॉर द चैनल। तो देखो, अगर आप मेरे इस चैनल को कुछ पिछले 6 महीने से देख रहे होंगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो डिवाइसेस को यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ, वो डिवाइसेस सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे कुछ 20-25 हज़ार से जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि मैं जो ऐसे फ़ोन मार्केट में आते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है पैसे की, वो आपको मैं रिव्यू करके दूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यूट्यूब के ऊपर आपको 5 हज़ार से लेके 25-30 हज़ार तक फ़ोन जो अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उनका रिव्यू आपको बहुत सारे रिव्यू देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 25 हज़ार से ऊपर आपको इतने ज़्यादा रिव्यू देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास कंपनी फ़ोन बेचती है, और कोई भी बंदा यहाँ पे ये नहीं चाहेगा कि हाँ भी वो फ़ोन बाय करके आपको रिव्यू करके दे। लाइक सपोज मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करता हूँ, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा भी हाँ मैं आईक्यू 7 को भी बाय करके रिव्यू करूँ, उसके बाद मैं आईक्यू 7 लेजेंड को बाय करके भी रिव्यू दूँ, और उसके बाद उसके स्पेशली जो कलर्स आ रहे हैं उसको भी मैं बाय करके रिव्यू दूँ, और ROG 5 का भी मैं रिव्यू दूँ, और OnePlus की सारी सीरीज़ का रिव्यू दूँ। आपको ऐसा कुछ कंटेंट जो है वो एक चैनल के ऊपर मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको सारे फोन्स का रिव्यू मिल रहा है जो यहाँ पे फोन रहते हैं फ्लैगशिप लेवल के। तो मेरा यहाँ पे बेसिक टारगेट ये होने वाला है, एक तो फ्लैगशिप जो फोन्स रहने वाले हैं उनका यहाँ पे रिव्यू होगा, 60-70 हज़ार जितना भी मेरा यहाँ पे बजट बनता होगा मैं आपको बाय करके रिव्यू दूंगा। इसके अलावा फ्लैगशिप किलर्स तो यहाँ पे मेरे फेवरेट रहते हैं, जो आपको 30 से लेके 50 हज़ार के प्राइस पॉइंट के ऊपर जो फ्लैगशिप को किल करते हैं वो तो मुझे बहुत पसंद है फोन, उनका रिव्यू तो यहाँ पे चैनल पे आता ही रहेगा। और साथ ही जो फोन ऐसे रहते हैं जो मिड रेंज में आने के बाद ऐसा काम करते हैं जिससे मिड रेंज सारा सेगमेंट हिल जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ फोन आते हैं जो 20-25 हज़ार की रेंज में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी जहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ऐसे फ़ोन यहाँ पे मैं पिक करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो फर्दर प्लान्स यही है कि 20-25 हज़ार के ऊपर जितने भी फ़ोन आएंगे उनका रिव्यू आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। 10-15 हज़ार का रिव्यू तो आपको बहुत सारे चैनल प्रोवाइड कर देंगे, जौन सा मर्जी चैनल देख लीजिए आपको अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे। लेकिन हासिल अगर कोई फ़ोन यहाँ पे ज़्यादा ओवर हाइप्ड होगा, ओवर जिनकी हाइप ज़्यादा होगी, तो उसको मैं यहाँ पे ज़रूर रिव्यू करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे फ्लैगशिप किलर और अपर मिड रेंज तो यही रहने वाली है। तो आगे वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो ये है कि माय क्वेश्चन इज फॉर गेमिंग विच इज़ बेटर 12 GB रैम विद स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और 8 GB रैम विद लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन बिग फैन सर। तो यानी कि आप यहाँ पे देखो, रैम का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस को लेके, तो रैम यहाँ पे इतना मैटर नहीं करती है। अगर आपके 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, आपको कोई यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो परफॉर्मेंस में इतना आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस का जो मेन जो कोर रहता है वो प्रोसेसर ही रहता है स्नैपड्रैगन 870 और 888 में परफॉर्मेंस में यहाँ पे काफ़ी फर्क देखने को मिल जाएगा आपको। डेली लाइफ में आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे इंटेंसिव टास्क कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोसेसर में कुछ यहाँ पे एडवांस काम किया गया है, इसलिए ये चीज़ जो है वो इस प्रोसेसर में तेज़ हो रही है, तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आप रैम के साथ कंपेयर कर रहे हो, हाँ 12 GB स्नैपड्रैगन 870 और 8 GB स्नैपड्रैगन 888, तो तभी भी यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 ही अच्छा काम करके देगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर वो पावरफुल है। लेकिन स्टिल आपको रियल लाइफ में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा रैम वगैरह से, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे दिमाग से हटा दें। जैसे ही गेमिंग आपको 12 GB स्नैपड्रैगन 870 में मिलेगी, वैसे ही आपको गेमिंग देखने को मिल जाएगी 8 GB 888 के साथ, आपको कोई भी यहाँ पे ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जैसी प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन रहेगी फोन के साथ, वैसा आपको काम देखने को मिल जाएगा। तो आगे वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रैपिड फायर है, आप देखते हैं पोको F3 GT वर्सेज Note 2। तो Note 2 यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस रहेगी, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत वीडियो में बात कर चुका हूँ। पोको F3 GT वर्सेज Realme X7, तो यहाँ पे पोको F3 GT। इसके बाद घर वर्सेज ऑफिस, तो इसका यहाँ पे मैं यही आंसर दे रहा हूँ कि मुझे ऑफिस में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में IQ7 वर्सेज IQ7 लेजेंड, तो यहाँ पे लेजेंड मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है, मैंने आपको पहले ही बोला है। पोको X3 Pro वर्सेज Realme X7, तो यहाँ पे X3 Pro ही यहाँ पे अच्छा मेरे हिसाब से डिवाइस है। IQ Z3 वर्सेज Poco F3 GT, तो Poco F3 GT, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू Z3, और प्रोसेसर भी यहाँ पे अच्छा है। IQ7 लेजेंड वर्सेज 9, तो यहाँ पे नो डाउट
IQ7 Legend। तो सर वीडियो का टाइम कम मत करना, 5 या 7 मिनट में कुछ समझ में नहीं आता, रिक्वेस्ट है आपसे आप टाइम मत कम करना, लंबी वीडियो से समझ आता है। रिव्यू और कंपैरिजन दो मोबाइल का किया करो तो थोड़ा आपको भी कंटेंट मिले और हमको भी समझ आए। बाय द वे लव योर वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, सब कुछ समझ आता है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, तो थैंक्स अ लॉट यहाँ पे इतना अच्छा लिखने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था लास्ट क्यूएनए में कि मैं वीडियोस यहाँ पे लंबी बनाऊंगा, लेकिन मैं मोस्टली यही ट्राई करूंगा कि जो मेरी कंपैरिजन वाली वीडियोज रहेंगी या फिर जिसमें मैं डिटेल्ड रिव्यू मैं बात करने वाला हूँ या फिर Q&A वीडियो होगी, तो इनकी यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगी वो लंबी रहेगी, लेकिन बाकी जो यहाँ पे वीडियोज रहने वाली है उनको मैं यहाँ पे काफी कम करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि कम यहाँ पे टाइम में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। हाँ, ट्राई यही रहेगा कि आपको लंबी वीडियो ही यहाँ पे मिले। बाकी अगर मैं बात करना चाहूँ कि कंपैरिजन दो मोबाइल्स का करें तो हाँ, इस बात के ऊपर मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि कंपैरिजन में आपको ट्राई करूंगा कि दो ही यहाँ पे डिवाइसेस का आपको देखने को मिले इन फ्यूचर। हाँ, इस बार ही ऐसा हुआ था कि 3 डिवाइसेस ऐसे आ गए थे कि मैं छोड़ नहीं सकता था। पोको F3 GT भी वहाँ पे, IQ7 भी था वहाँ पे, और OnePlus Nord 2 भी वहाँ पे था, जिनको यहाँ पे तीनों को एक साथ कंपेयर करना बन जाता था, तो ये चीज़ आपके सामने थी, तो इसलिए उनको तीन को कंपेयर किया है। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि आपको दो में ही कंपैरिजन देखने को मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, RG5 Pro कब आएगा? तो यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे Asus तो यहाँ पे RG5S के ऊपर भी काम कर रही है, लेकिन RG5 Pro की जो अवेलेबिलिटी है या फिर अल्टीमेट की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर कुछ भी यहाँ पे आपको बोल नहीं रही है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बुरी लगती है। तो प्रो के बारे में भी फिलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्टोरी भी डाल दूंगा। दोबारा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टा के ऊपर फॉलो करो, वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं बता पाता, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे मैं स्टोरी में भी लगा देता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे फिर से एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए हैं, तो इसमें रैपिड फायर करते हैं। तो OnePlus का बेस्ट फोन कौन सा है? तो यहाँ पे बेस्ट फोन यहाँ पे मैं सारे डिवाइस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे OnePlus 9 सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो OnePlus 9 सीरीज में सबसे जो अच्छा डिवाइस है वो 9R है, क्योंकि सारी जो डिवाइसेज ये रहती हैं उनमें ये सबसे अफोर्डेबल डिवाइस है और साथ ही आपको वो सभी काम करके देगा जो बाकी 9 सीरीज कर रही है। इसके अलावा बात करता हूँ Nord 2 की, तो Nord 2 भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 9R से भी आपको बेटर यहाँ पे कैमरा दिया गया है। तो 9R और Nord 2 यहाँ पे OnePlus के अभी तक के मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे डिवाइसेज हैं। Nord 2 में को निकालने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया OnePlus ने। तो यहाँ पे बात करते हैं OnePlus बेस्ट फोन वर्सेज RG5, तो यहाँ पे बिल्कुल RG5, मैंने OnePlus 9 Pro के साथ इसका कंपैरिजन भी किया, परफॉर्मेंस वगैरह का आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं Realme GT अपकमिंग वर्सेज RG5, तो Realme GT अभी मैंने बाय करना है, तो बाय करने के बाद मैं रिव्यू करूंगा तब आपको इसका आंसर दे सकता हूं। आगे बात करते हैं Motorola Edge 20 अपकमिंग वर्सेज RG5, अगर मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं तो Edge 20 में Snapdragon 778 प्रोसेसर है, तो मतलब कोई बनता नहीं है यहां पे इसका वर्सेज होना, लेकिन यहाँ पे स्टिल RG5 काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के दे देगा। तो इसके बाद यहाँ पे पूछते हैं कि Motorola S20 के बारे में प्री लॉन्च राय, तो प्री लॉन्च राय यहाँ पे यही है कि डिवाइस जल्दी ही आने वाला है, तो 17th August को ये लॉन्च हो जाएगा। तो मतलब ठीक है, फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बाकी जब टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो देखते हैं, ट्राई करेंगे इसको बाय करने की, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि इसको बाय करूंगा या फिर नहीं। Realme GT बाय करोगे? जी हाँ, बिल्कुल पूरी यहाँ पे उम्मीद है Realme GT बाय करने की, स्पेशली Snapdragon 888 वाला Realme GT जो आएगा उसको मैं पूरा यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ्लैगशिप बाय करने में तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, तो देखते हैं कैसा काम करता है। और वैसे भी ये अंडर 35,000 आपको देखने को मिल सकता है, और 35,000 में Snapdragon 888 होना बहुत बड़ी बात है, इसको तो यहाँ पे रिव्यू करना बनता है। आगे देखते हैं ROG 5 कितने ईयर्स के लिए अच्छा चलेगा और उस टाइम के बाद क्या होगा फ़ोन के अंदर। देखो भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, 2 साल का तो कंपनी यहाँ पे अपडेट देती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप कितना केयर से रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, मुझे पता है कोई फ़ोन टूटने वाला नहीं है, तो 4-5 साल तो आपका फोन निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सेम फॉर द IQ7 Legend, तो Legend के साथ भी मैं आपको सेम का बात बोलूँगा कि जितनी केयर के साथ आप फ़ोन को रख सकते हो वैसे ही उतना ही आपको फ़ोन वहाँ पे चल के उतना फ़ोन आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो Legend की भी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद। Realme GT वर्सेज Poco F3 GT, तो इसमें आपको Realme GT मैं चूज़ कर सकता हूँ। Moto Edge 20 वर्सेज Legend, तो यहाँ पे Legend है, तो Moto Edge 20 वर्सेज Realme GT, तो यहाँ पे Realme GT है। Moto S20 वर्सेज Poco F3 GT, तो यहाँ पे Poco F3 GT। उसके बाद यहाँ पूछ रहे थे ROG 5 में कोई लैग्स, तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वीडियो के प्रीवियस पार्ट में, कोई लैग वगैरह नहीं होते हैं। आगे लैग्स किस कंडीशन में हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर आपकी स्टोरेज काफ़ी फुल होगी, लाइक 128 GB स्टोरेज रहती है, 110 उसमें मिलती है, तो आपने 109 GB भर दिया है। लेकिन मेरे जो ROG 3 डिवाइस था और ROG 5 है वो मोस्टली 105-106 GB फुल रहते हैं,
तब भी लैग नहीं होता। इससे इसके बाद मैं पे क्या बोलूँ। हाँ लेकिन अगर आप उसके बाद स्टोरेज फुल करने के बाद जब अनटूटू को रन करोगे तब आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन डेली लाइफ में पता नहीं चलेगा, आपको लैग नहीं दिखेगा। और अगर फोन डिवाइस थोड़ा सा गर्म होगा लाइक 50 डिग्री प्लस तो लैग हो सकता है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसे किसी भी सिनेरियो में मुझे लैग होता नहीं दिखा है डिवाइस। तो इसके बाद आगे पूछते हैं बेस्ट फोन अंडर 40 के, तो यहाँ पे आईक्यू 7 लेजेंड, बेस्ट फोन अंडर 30,000 आईक्यू 7, बेस्ट फोन अंडर 20,000 तो रेडमी नोट 10 प्रो या 10 प्रो मैक्स या फिर आईक्यू Z3, तो तीनों डिवाइसेज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मी 11 एक्स प्रो के बारे में बताएं, तो मी 11 एक्स प्रो जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आया था ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ अंडररेटेड डिवाइस बन जाता है, क्योंकि आईक्यू 7 लेजेंड भी उस प्राइस के ऊपर आ गया और वन प्लस 9R, तो वन प्लस वाले बंदों ने वन प्लस 9R ले लिया, और जो बंदे थोड़ा सा वैल्यू देख रहे थे, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस देख रहे थे, तो उन्होंने लेजेंड बाय कर लिया। तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट हो पाई है, तो मुझे लगता है मी 11 एक्स प्रो यहाँ पे काफ़ी नीचे रह गया है। तो इवन आप देख सकते हो कि मैंने भी अपने चैनल के ऊपर MI 11 एक्स प्रो का रिव्यू नहीं किया, जी हाँ, लेकिन MI 11 एक्स का मैंने ज़रूर यहाँ पर रिव्यू किया था, प्रो का रिव्यू नहीं किया है। वही बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे अंडररेटेड बोल सकते हो, थोड़ा सा गुम सा हो गया था डिवाइस आईक्यू 7 लेजेंड और 9R की चकाचौंध में, तो ये चीज़ यहाँ पे MI 11 एक्स प्रो के साथ हुई है। तो ये तो थे सारे के सारे क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं सभी का जवाब दे दिया होगा, सभी का आंसर मैंने दे दिया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर मुझे रिक्वेस्ट करें, वहाँ पे मैं आपके सारे रिप्लाई मैं दे दूंगा। और साथ ही जो इसका नेक्स्ट Q&A 3 होने वाला है उसका पोल मैं कुछ थर्सडे फ्राइडे में लगा दूंगा, तब आप अपने क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट संडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये Q&A वाली वीडियो अब अच्छी लगती होंगी। ये यहाँ पे पहली, तो इनकी यहाँ पे अभी टेस्टिंग ही चल रही है, तो अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती है या किसी इंप्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट Q&A 3 वाली वीडियो में। तो उसका सजेशन आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज की Q&A वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।